माया कोल्डानी को तुमने छोड़ दी, अभी हम क्या करें? जब सत्ता पलटती है तो कानून भी उसके साथ पलटने लगता है। के सामने 11 एविडेंस थे, विटनेसेस, जिन्होंने बोला था कि माया कोडनानी वहां 9 से 9:30 के बीच या 11 के बीच वहां पे थी और आके भाषण करके चली गई। लेकिन ये जो 11 विटनेसेस थे इसमें कॉन्ट्राडिक्शन था, किसी ने बोला ये साइड ऐसा आई, किसी ने बोला उस साइड से आई, किसी ने बोला गाड़ी में आई, किसी ने बोला चलती आई। तो ऐसे केस में उनको मानना जोखिम है, इसे नहीं मान सकते। और पुलिस विटनेस, एक भी पुलिस विटनेस ने ऐसा नहीं बोला कि हमने माया कोडनानी को वहां देखा। देयर आर 5 पुलिस पर्सन सेड दैट वी हैव सीन बाबू बजरंगी देयर एंड आल्सो तहलका दिस आशीष खेतान जर्नलिस्ट हियर रिपोर्ट्स दैट ही हैज टोल्ड मी दैट आई हैव डन एवरीथिंग ओके देयरफॉर ही हैज टू बी बिलीव्ड दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। बाबू बजरंग को कोर्ट ने ऐसा बोला कि बाबू बजरंग ने जो किया है वो दूसरे से कोई ज्यादा नहीं किया है, दूसरे ने अगर 2-3 आदमी को मारा मॉब लेके गए तो ये भी ऐसा ही है, तो उसमें सजा में कोई तफावत नहीं होना चाहिए। दूसरे को 21 साल दे रहे हैं तो इसको भी 21 साल देना पड़ेगा। जैसे ये माया कोडानी को छोड़ दिए तो हम फैसले से ये क्या करेंगे, बजरंग बली भी ये नालायक है, उसको भी उसको तो जल्द से जल्द सजा होना, जल्द से जल्द कड़ी होना उसको, तो हमारा ये तमन्ना है। और माया कोल्डानी को तुमने छोड़ दी, अभी हम क्या करें? बाबू बजरंगी को वापस जो है तो गिल्टी ठहराया गया है, इस पे इस बात को लेके मुझे कोई हैरानी नहीं है, मुझे मगर इस बात को लेकर बहुत बड़ी हैरानी भी है और शौक भी है कि माया कोडनानी को जो है तो बरी कर दिया गया है, क्योंकि माया कोडनानी के खिलाफ एक नहीं दो नहीं 12 विटनेसेस थे। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उसने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे उनको बदनाम ही नहीं किया, बल्कि उनको कभी झूठे केसों में फंसा कर प्रताड़ित किया और वो सब सत्य जो है अब एक्सपोज हो रहा है और सबके सामने आ रहा है। ये एक चिंता का विषय है हमारे लिए, क्योंकि अब ये बहुत स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि जब सत्ता पलटती है तो कानून भी उसके साथ पलटने लगता है। कानून की जो सिस्टम है हमारी वो सत्ता के तरफ रुझान रखने वाली सिस्टम होती जा रही है ऐसा लगता है, क्योंकि अगर एक के कोर्ट ने सारे गवाहों को, सारे जो एविडेंसेस है उनको चेक करने के बाद किसी को कन्विक्ट किया हो इतने हाई प्रोफाइल केस में, तो मुझे बहुत ताज्जुब लगता है कि वही सारे एविडेंस को दूसरी कोर्ट खारिज करके उसको बली कर देते हैं। और ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत भयावह सिचुएशन है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में ये इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के ऊपर चेक रखने के लिए करवाए गए थे।